हिमेटोलॉजी के अंदर टुडेज लेक्चर ऑन सेकंड टाइप ऑफ एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है कि सेकंड टाइप के ऊपर एनीमिया के, जिसके अंदर क्या होता है जो डिस्ट्रक्शन है, यानी क्या है आरबीसी का जो ब्रेक डाउन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है स्प्लीन के अंदर, उसके काफी रीजन है, वो क्या है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर क्या है, शुरू करने से पहले पीछे का लेक्चर उसको रिवाइज कर लेते हैं, वो किसके ऊपर था ऑन फर्स्ट टाइप ऑफ एनीमिया, यानी एनीमिया के फर्स्ट यानी पहले टाइप के ऊपर था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा था, एनीमिया के फर्स्ट टाइप, तो एनीमिया का जनरल इंट्रोडक्शन और जो इसके सब टाइप थे यानी कितने टाइप का होता है वो तो इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, और फर्स्ट टाइप के अंदर फर्स्ट जो सब टाइप था यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वो क्या है, इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो इसमें क्या है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है क्या, कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज एन एनीमिया दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। यानी मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया वह एनीमिया है जिसमें क्या है कि जो डीएनए सिंथेसिस होती है रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में वो क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है यानी बंद हो जाती है, किसी चीज से स्प्रेस हो जाती है, धीरे हो जाती है, मुझे क्या बोलते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। और दूसरा नाम क्या है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया का, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट, द डिफेक्ट इन रेड ब्लड सेल डीएनए सिंथेसिस इज मोस्टली ऑफ्टन ड्यू टू हाइपोविटामिन। और जो डिफेक्ट आया है रेड ब्लड सेल के डीएनए सिंथेसिस में, यानी जो डीएनए सिंथेसिस रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन के टाइम पे बंद होती है वो किस कारण से होती है, उसको इफेक्ट कौन करता है, हाइपोविटामिन के कारण होती है यानी विटामिन की कमी के कारण होती है, वो स्पेशली विटामिन B12 डेफिशियंसी और फोलेट डेफिशियंसी। और दो प्रकार के विटामिन क्या है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो विटामिन B12 और दूसरा क्या होता है फोलेट डेफिशियंसी। नेक्स्ट, दिस कैन हैपन व्हेन यू आर नॉट गेटिंग इनफ विटामिन B12 और फोलेट। और ऐसा कब होता है कि जब आप क्या है प्रॉपर अमाउंट के अंदर या प्रॉपर डाइट के अंदर दोनों विटामिन नहीं लेते हैं, कौन से विटामिन B12 और फोलेट। तो शुरू से क्या है कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में डीएनए सिंथेसिस क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है यानी बंद हो जाती है, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। द डिफेक्ट इन रेड ब्लड सेल डीएनए सिंथेसिस इज मोस्ट ऑफ्टन ड्यू टू हाइपोविटामिन। और ऐसा किस कारण से होता है कि विटामिन की कमी के कारण होता है, और स्पेशली विटामिन B12 डेफिशियंसी और फोलेट डेफिशियंसी। और दो विटामिन क्या स्पेशली इसके लिए जिम्मेवार है, एक तो विटामिन B12 की डेफिशियंसी यानी कमी और फोलेट की डेफिशियंसी। और ऐसा कब होता है, दिस कैन हैपन व्हेन यू आर नॉट गेटिंग इनफ विटामिन B12 और फोलेट। ऐसा कब होता है जब आप प्रॉपर डाइट के अंदर ऐसे विटामिन नहीं लेते यानी विटामिन B12 और फोलेट नहीं लेते हो। इस प्रकार क्या एनीमिया जो है वो किस कारण से होता है, तो सबसे पहले तो है डाइटरी फैक्टर। इफ यू नॉट ईट प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट देन दिस टाइप ऑफ एनीमिया कॉज। अगर आप क्या है प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली डाइट नहीं लोगे डेली, यानी आप जो खाना लेते हो डाइट लेते हो फूड उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होंगे तो क्या है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इन विटामिन B12 और फोलेट बोथ आर नॉट इन इनफ अमाउंट। और क्या है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या है कि विटामिन B12 और फोलेट दोनों प्रकार के विटामिन क्या है पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट नहीं होते ह्यूमन बॉडी में।
एनीमिया है कि दो प्रकार के एनीमिया हो गए। फर्स्ट टाइप में एक तो आयरन डेफिशिएंसी, एक क्या है मेगालोब्लास्टिक, तीसरा क्या है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया क्या है, व्हेन योर बॉडी कैन नॉट मेक इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल बिकॉज इट लैक्स विटामिन बी 12, यानी व्हेन योर बॉडी जब क्या है आपका शरीर कैन नॉट मेक इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल, यानी क्या है आपका जब आपका शरीर हेल्थी यानी स्वस्थ क्या है रेड ब्लड सेल को फॉर्म नहीं करता, बनाता नहीं है पर्याप्त मात्रा में, बिकॉज और इसका कारण क्या है, बिकॉज इट लैक्स विटामिन बी 12, यानी क्या है आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होगी जब यू हैव परनीशियस एनीमिया। और इस प्रकार के एनीमिया को क्या बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया, यानी जब क्या है आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो और आपका शरीर क्या है हेल्थी रेड ब्लड सेल को फॉर्म नहीं करे अच्छे तरीके से या फिर प्रॉपर अमाउंट में फॉर्म नहीं करे, उसको क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, परनीशियस एनीमिया। नेक्स्ट, इफ यूअर बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब इनफ फ्रॉम द फूड यूअर डाइट यूअर रेड ब्लड सेल विल बी टू वीक, और अगर क्या है आपकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी इसको विटामिन बी 12 को प्राप्त मात्रा में, किससे, फूड से और आपकी रेड ब्लड, तो ऐसा क्या होगा फिर कि आपकी जो रेड ब्लड सेल है वो कैसी हो जाएगी स्ट्रक्चर में, टू वीक यानी काफी बड़ी हो जाएगी। द रीजन दिस हैपन इज ऑफ्टन ड्यू टू द लैक ऑफ ए स्टोमक प्रोटीन कार्ड, और ऐसा रीजन क्या है कि जिसकी वजह से क्या है कि आपकी बॉडी विटामिन बी 12 को फूड से ऑब्जर्व नहीं करती, तो क्या है कि स्टोमक प्रोटीन की कमी है, हैपन ड्यू टू लैक यानी कमी ऑफ ए स्टोमक प्रोटीन, यानी स्टोमक प्रोटीन की कमी के कारण क्या है ऐसा होता है कि आपकी ह्यूमन बॉडी क्या है विटामिन बी 12 को फूड से ऑब्जर्व नहीं कर पाती। और इसको दूसरा नाम क्या है, इंट्रेंसिक फैक्टर भी बोलते हैं, योर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब विटामिन बी 12 विदाउट इट, और जब आपकी बॉडी में इंट्रेंसिक फैक्टर क्या है प्रॉपर अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होंगे तो आपकी बॉडी क्या है प्रॉपर वे में क्या है विटामिन बी 12 को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, और नहीं कर पाएगी क्या है आपकी रेड ब्लड सेल की जो साइज है वो क्या हो जाएगी टू बिग यानी काफी बड़ी, और कौन सा एनीमिया हो जाएगा, परनीशियस एनीमिया। नेक्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया। तो अभी तक आपने क्या है फर्स्ट टाइप के एनीमिया में कितने सब टाइप पढ़ लिए, तो सबसे पहला आयरन, दूसरा मेगालोब्लास्टिक, तीसरा परनीशियस और चौथा क्या है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या है, ए रेयर डिजीज कंडीशन यानी बहुत ही कम होने वाली परिस्थिति इन विच द बोन मैरो डज नॉट प्रोड्यूस एडिक्वेट नंबर ऑफ न्यू ब्लड सेल्स, यानी बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है एप्लास्टिक एनीमिया जिसके अंदर क्या है आपका जो बोन मैरो है वो क्या है अच्छे नंबर्स में यानी गुड क्वांटिटी के अंदर क्या है न्यू ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस नहीं करता, यानी क्या है कंप्लीट सेल्स को प्रोड्यूस नहीं करता इसमें। दिस कैन हैपन व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ स्टेम सेल और हैव नॉट एट ऑल, और दिस कैन हैपन ऐसा कब होता है कि जब यू डू नॉट हैव यानी आपके बोन मैरो में क्या नहीं हो इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में स्टेम सेल नहीं हो, और क्या है सभी स्टेम सेल प्रोजेक्ट नहीं हुई अकेली रेड ब्लड सेल की नहीं अदर सेल्स भी। नेक्स्ट, यू माइट गेट एप्लास्टिक एनीमिया बिकॉज ऑफ यूअर जीन और बिकॉज यूअर बोन मैरो वाज इंजर्ड, और आपका क्या है कि आप एनीमिया यानी एप्लास्टिक एनीमिया से कब क्या है कब हो सकता है क्या क्या रीजन है उसके यानी कब उसको ले सकते हैं यानी कब हो सकता है ह्यूमन बॉडी में, तो या तो आपके क्या है जीन्स के अंदर प्रॉब्लम हो बिकॉज यूअर जीन्स यानी आपके जेनेटिक मटीरियल में कोई डिफेक्ट आ गया हो, और नेक्स्ट बिकॉज यूअर बोन मैरो वाज इंजर्ड या फिर क्या है आपके बोन मैरो के अंदर इंजरी हुई हो कोई चोट हुई हो किस कारण बाय मेडिकेशन या किसी रेडिएशन या कीमोथेरेपी और इंजेक्शन के कारण, यानी या तो आपका बोन मैरो क्या हो गया हो चोटिल हो गया हो किसी चीज से यानी या तो मेडिकेशन से किसी या रेडिएशन से या कीमोथेरेपी से या किसी ड्रग या इंजेक्शन से, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपकी स्टेम सेल जो है बोन मैरो में वो क्या हो जाएगी डैमेज हो जाएगी, तो आपको क्या हो जाएगा प्लास्टिक एनीमिया यानी रेड ब्लड सेल फॉर्म ही नहीं होगी स्टेम सेल ही नहीं होगी जनक ही नहीं होगी तो फॉर्म कहां से होगी, तो क्या हो जाएगा प्लास्टिक एनीमिया। या फिर एक और रीजन क्या है कि या फिर आपके क्रोमोसोमल जीन्स के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया उसकी वजह से भी क्या हो सकता है प्लास्टिक एनीमिया।
to drug toxin and exposure in x-ray, which is cause anemia known as aplastic anemia. या फिर आपके बोन मैरो की जो काम करने की जो कैपेसिटी यानी वर्किंग जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, प्रेस होगी यानी बंद होगी, या फिर क्या उसको क्या प्रॉपर वे में काम किया नहीं दिया जा रहा, किस वजह से, ड्यू टू यानी किसी ड्रग से, किसी टॉक्सिन से, या फिर क्या आपका बोन मैरो किसके एक्सपोज में आ गया, एक्सरे के एक्सपोज में. इस प्रकार के एनीमिया और ये सभी कंडीशन क्या कॉज कर सकती है, विच इज कॉज नोन एज एप्लास्टिक एनीमिया, यानी इन सभी कंडीशन के कारण क्या हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया. नेक्स्ट, सम टाइम दे आर नो क्लियर रीजन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया. और कई बार क्या है कि कोई क्लियर रीजन नहीं होता, स्पेसिफिक रीजन पता नहीं होता कि एप्लास्टिक एनीमिया किस कारण से हुआ है. नेक्स्ट, द डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज बाय बोन मैरो बायोप्सी. और तो क्या है, प्लास्टिक एनीमिया की जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है यानी परमानेंटली डायग्नोसिस है वो किस तरीके से कर सकते हैं, कि बोन मैरो से बायोप्सी का सैंपल ले सकते हैं यानी एक छोटा टिश्यू पीस ले सकते हैं, या फिर उसका सेलुलर मटेरियल ले सकते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि उसमें क्या स्टेम सेल प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है. नॉर्मल बोन मैरो है 30-70% ब्लड स्टेम सेल, यानी नॉर्मली क्या है ब्लड यानी नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमंस में क्या है 30-70% क्या होती है ब्लड स्टेम सेल्स होती है बोन मैरो में. बट इन एप्लास्टिक एनीमिया, पर एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में क्या होती है, दीज सेल्स आर मोस्टली गोन, यानी वो सेल्स क्या है डैमेज हो जाती है, चली जाती है एंड रिप्लेस बाय फैट. और ये सेल्स किसके द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, फैट के द्वारा यानी वसा के द्वारा. तो क्या है कि एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, या कोई मेडिकेशन के कारण, या फिर टॉक्सिन के कारण, ड्रग्स के कारण, या आपका बोन में रुके एक्सरे के कॉन्टेक्ट में आ गया, क्या हो गया, वो इंजर्ड हो गया यानी स्ट्रक्चर उसकी डैमेज होगी, तो क्या हो जाएगा आपको एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि बोन में प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, ये आपके जीन्स के अंदर क्या हो गया म्यूटेशन हो गया, उस वजह से क्या हो सकता है एप्लास्टिक एनीमिया. और उसको चेक करने के लिए क्या है बोन मैरो का बायोप्सी सैंपल लेते हैं. नेक्स्ट है लेड पॉइजनिंग एनीमिया, यानी क्या है कोई ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी रीजन से क्या लेड कंटेंट अंदर चला गया यानी लेड मेटल अंदर चली गई, तो क्या उस वजह से भी एनीमिया हो सकता है. लेड इज टॉक्सिक टू योर बोन मैरो कॉजिंग योर फेवर रेड ब्लड सेल, यानी क्या है लेड क्या है टॉक्सिक है आपके बोन मैरो के लिए, और क्या कॉज कर देता है कि आपकी जो रेड ब्लड सेल है उनको फेवर कर देता है, उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर क्या कर देता है चेंज कर देता है. नेक्स्ट, लेड पॉइजनिंग कैन हैपन व्हेन एडल्ट कम इनटू कॉन्टेक्ट विद लेड एट बर्थ. और क्या है लेड पॉइजनिंग कैन हैपन यानी लेड पॉइजनिंग कब होती है, व्हेन एडल्ट यानी जब क्या है एडल्ट कम इनटू कॉन्टेक्ट विद लेड, यानी क्या है एडल्ट किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, लेड के कॉन्टेक्ट में आते हैं जब वो लेड के अंदर काम कर रहे होते हैं, यानी लेड की जो खादान होती है या फिर कोई अदर कोई कंडीशन हो जिसमें लेड मेटल के साथ क्या है वो वर्क कर रहे हो और वो क्या है कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं उसके. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ चिल्ड्रन ईट चिप्स ऑफ लेड पैड, अगर क्या है इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है लेड पॉइजनिंग का, अगर क्या है किसी बच्चे ने लेड से पैड किए हुए चिप्स क्या कर लिए ईट कर लिए यानी खा लिए, उसके कारण भी क्या हो सकती है लेड पॉइजनिंग हो सकती है. नेक्स्ट, यू कैन आल्सो गेट इट इफ योर फूड कम्स इन टू कॉन्टेक्ट विद लेड. और आपको लेड पॉइजनिंग कब हो सकती है, क्या आप किसके कॉन्टेक्ट में आ जाओ लेड के कॉन्टेक्ट में आ जाए आपका फूड और आप उस फूड को क्या कर लो ईट कर लो, उसकी वजह से भी क्या हो सकती है लेड पॉइजनिंग हो सकती है. नेक्स्ट, अदर प्रॉब्लम विद लेड पॉइजनिंग, और कौन सी प्रॉब्लम है अगर आपके क्या है ह्यूमन बॉडी में लेड चली गई तो, या तो क्या है परमानेंट ब्रेन डैमेज यानी आपका ब्रेन की जो मेमोरी है वो सारी क्या हो जाएगी डैमेज हो जाएगी. नेक्स्ट, एनीमिया भी हो सकता है क्योंकि क्या है रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं हो गया यानी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है वो प्रॉपर वे में नहीं होती जब लेड क्या है ह्यूमन बॉडी में चली जाए. हियरिंग प्रॉब्लम, आपके सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो सकता है और किडनी से रिलेटेड भी डिजीज हो सकती है अगर क्या है लेड आपके कॉन्टेक्ट में आ गई यानी ह्यूमन बॉडी में एंटर कर गई. लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे कि पहला जो टाइप था एनीमिया का यानी क्या है उसके फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आई थी वो कंप्लीट होगी. सेकंड क्या है एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, क्या है एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन,
यानी क्या है एनीमिया का जो आरबीसी का 120 दिन के बाद में जो डिस्ट्रक्शन होता है, यानी क्या उसकी स्ट्रक्चर जो डैमेज कर दी जाती है, उसकी लाइफ स्पान कंप्लीट होने के बाद आरबीसी में वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी किसी रीजन से क्या है वो जल्दी ब्रेक डाउन उसका हो जाता है। यानी क्या है नॉर्मली जो क्या है सेल्स फॉर्म होती है बनती है, उसके कंपेरिजन में क्या है आरबीसी का ब्रेक डाउन ज्यादा होने लगता है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, इट ऑल्सो नोन एज हिमोलाइटिक एनीमिया, यानी इस एनीमिया को और क्या बोलते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट, हिमोलाइटिक एनीमिया इज अ डिसऑर्डर इन विच रेड ब्लड सेल आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन दे कैन बी मेड। यानी हिमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या है रेड ब्लड सेल जो है वो फॉर्म तो क्या है कम हो रही है और डिस्ट्रॉय क्या है यानी टूट क्या है ज्यादा हो रही है। यानी क्या है हिमोलाइटिक एनीमिया डिसऑर्डर यानी एक बीमारी है यानी जिसमें रेड ब्लड सेल आर डिस्ट्रॉयड फास्टर, यानी रेड ब्लड सेल्स क्या है जल्दी टूट रही है, कैन दे कैन बी मेड यानी बनने के कंपेरिजन। नेक्स्ट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड हिमोलाइसिस, और रेड ब्लड सेल का टूटना ही क्या कहलाता है हिमोलाइसिस। नेक्स्ट, इफ यू हैव ए लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल यू हैव एनीमिया। अगर आपकी जो रेड ब्लड सेल है वो नॉर्मल अमाउंट से क्या है कम है तो आपको कौन सी कंडीशन है एनीमिया है। When you have anemia, your blood cannot bring oxygen to all your tissue and organs. आपको पता है अगर क्या आपके एनीमिया की कंडीशन है यानी रेड ब्लड सेल और हिमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है प्रॉपर अमाउंट में ह्यूमन बॉडी में, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि when you have anemia, यानी जब आपको एनीमिया हो your blood, यानी आपका जो रुधिर है कैन नॉट ब्रिंग यानी पर्याप्त मात्रा में क्या ऑक्सीजन को नहीं ले सकता इनफ टू ऑल यूर टिश्यूज और ऑर्गन। यानी क्या आपका ब्लड क्या है प्रॉपर अमाउंट के अंदर इनफ अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर सकता किस तक टिश्यू और ऑर्गन तक। नेक्स्ट देखिए, हिमोलाइटिक एनीमिया कैन बी इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। हिमोलाइटिक जो एनीमिया यानी क्या है सेकेंड टाइप का जो एनीमिया है जिसमें क्या है स्ट्रक्चर इंक्रीज हो गया यानी आरबीसी का ब्रेक डाउन जल्दी होने लगा, तो वो क्या है एक तो इनहेरिटेड यानी जेनेटिक होता है यानी क्या पेरेंट्स से स्प्रेड होता है, और दूसरा क्या है एक्वायर्ड यानी जेनेटिक के अलावा भी हो सकता है यानी क्या है बर्थ के बाद में भी हो सकता है। तो इनहेरिटेड हिमोलाइटिक एनीमिया हैपन व्हेन पेरेंट्स पास द जीन फॉर द कंडीशन ऑन देयर चिल्ड्रन। यानी इनहेरिटेड एनीमिया कब होता है जब विहन पेरेंट्स पास द जीन यानी पेरेंट्स से क्या है जीन पास हो जाते हैं किसमें बच्चे में, तो क्या हो सकता है इनहेरिटेड हिमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया, तो एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया कब हो सकता है इज नॉट समथिंग यू आर बोर्न विद, यानी हिमोलाइटिक एनीमिया क्या है आप जिसके साथ जन्मे नहीं हो उसके बाद में क्या है यू डेवलप इन द कंडीशन लेटर, यानी क्या है आपने क्या है जन्म के बाद जो एनीमिया की कंडीशन डेवलप की है उसको क्या बोलते हैं एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया। एनीमिया दो प्रकार का होता है सेकेंड टाइप का, एक इनहेरिटेड जो क्या है आपको बाई बर्थ मिले जन्म से और एक एक्वायर्ड आपने क्या है जन्म के बाद में आपको मिले। नेक्स्ट क्या है सिकल सेल एनीमिया, यानी क्या है एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या है जो आरबीसी की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी हो जाती है सिकल सेल यानी मून शेप हो जाती है चंद्रमा की जैसी। तो एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर वेयर रेड ब्लड सेल बिकम सिकल या क्रेस्ट सेल, यानी एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर यानी क्या है जेनेटिकली स्प्रेड होने वाला डिसऑर्डर बीमारी है यानी जिसमें रेड ब्लड सेल बिकम यानी जिसमें रेड ब्लड सेल कैसी शेप की हो जाती है सिकल शेप की या क्रेस्ट शेप की हो जाती है। नेक्स्ट, इट रिजल्ट इन एन एबनॉर्मिलिटी इन द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन फाउंड इन द रेड ब्लड सेल, यानी इट रिजल्ट यानी सिकल सेल का रीजन क्या है रिजल्ट क्या है एन एबनॉर्मलिटी यानी एबनॉर्मलिटी आ जाती है किसमें इन द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन में, यानी आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसके अंदर क्या आ जाती है एबनॉर्मलिटी पाई जाती है किसके अंदर सिकल सेल एनीमिया के अंदर, यानी हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है शेप वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, आरबीसी कंटेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन टर्न इन एचबीएस दिस लीड टू सिकल सेल, तो आरबीसी क्या है सिकल सेल एनीमिया में कौन सा हीमोग्लोबिन रखती है एचबीएस यानी एच बी ए इसमें टर्न हो जाता है एच बी एस के अंदर चेंज हो जाता है और दिस लीड टू यानी ये क्या कर देता है सिकल सेल कर देता है यानी आरबीसी की स्ट्रक्चर को
चेंज कर देता है। नेक्स्ट देखिए, डिफॉर्मिटी एंड एक्सपोजेस टू हाइपोक्सिन रिजल्ट इन अर्ली रप्चर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। यानी डिफॉर्मिटी यानी उसकी स्ट्रक्चर तो चेंज है ही पहले से, एंड एक्सपोज टू जैसे वो हाइपोक्सिन के कंटेक्ट में आ जाएगी अर्ली क्या हो जाएगी, जल्दी उसकी सेफ एंड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी या डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, सेल क्या जल्दी डैमेज हो जाएगी। सिकल सेल में क्या होता है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, यानी वो 120 दिन से पहले ही क्या है ब्रेक डाउन हो जाता है रेड ब्लड सेल का, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर क्या है सही तरीके से मेंटेन नहीं है। देखिए सिकल सेल एनीमिया क्या है, एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर वेयर रेड ब्लड सेल बिकम सिकल क्रेसेंट सेल। यानी एक ऐसा अनुवांशिक डिसऑर्डर है, बीमारी है जो क्या है पेरेंट से स्प्रेड होती है, ठीक है, जिसमें रेड ब्लड सेल कैसी शेप की हो जाती है, सिकल शेप की या क्रेसेंट शेप की। सिकल शेप का मतलब है मून शेप की। नेक्स्ट हाफ मून शेप की यानी आधे चंद्रमा आकार की। नेक्स्ट इट रिजल्ट इन यार सिकल सेल एनीमिया में क्या रिजल्ट क्या है, उसका रीजन क्या है, एन एबनॉर्मलिटी इन द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन। यानी क्या है एबनॉर्मलिटी आ जाती है किसके अंदर, जो ऑक्सीजन को केयर करती है प्रोटीन हीमोग्लोबिन के अंदर, और वो जो किसमें पाई जाती है फाइंड इन रेड ब्लड सेल, यानी किसमें पाई जाती है रेड ब्लड सेल में पाई जाती है। नेक्स्ट आरबीसी कंटेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन टर्न इन एचबीएल, दिस लीड्स टू सिकल सेल। यानी आरबीसी कंटेन कैसी, आरबीसी कैसा हीमोग्लोबिन रखती है, एचबीएस रखती है, यानी एचबीए जो हीमोग्लोबिन नॉर्मली प्रेजेंट रहता है आरबीसी में वो किसके अंदर चेंज हो जाता है एचबीएस के अंदर, और दिस लीड टू सिकल शेप, और ये आरबीसी की स्ट्रक्चर को कैसा कर देता है सिकल शेप के अंदर चेंज कर देता है। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी एंड एक्सपोजर टू हाइपोक्सिन रिजल्टिंग इन अर्ली रप्चर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। यानी क्या है कि जो आपकी डिफॉर्मिटी है उसकी स्ट्रक्चर को पहले से चेंज होगी, और जैसे वो हाइपोक्सिन के कॉन्टेक्ट में आ जाएगी वो क्या हो जाएगी जल्दी रप्चर हो जाएगी, यानी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया क्या है, एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी जन्मजात से मिलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट ब्लड डिसऑर्डर यानी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय यानी इसका करेक्टर क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है कि आपका बोन मैरो जो है वो क्या है हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मल फॉर्म को बनाने लगता है, यानी हीमोग्लोबिन की जो डैमेज स्ट्रक्चर है उसको बनाने लगता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को नहीं बनाता, यानी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को बनाने लगता है बोन मैरो। नेक्स्ट देयर इज डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। और थैलेसेमिया में क्या है हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबुलिन चेन होती है, आपको पता है हीमोग्लोबिन के अंदर 95% क्या होती है ग्लोबुलिन, तो और आपको पता है ग्लोबुलिन क्या है प्रोटीन, उसमें पॉलीपेप्टाइड अटैच रहते हैं, तो थैलेसेमिया में क्या है उन पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर क्या आ जाती है चेंजेस आ जाती है, ठीक है। तो देयर इज डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी क्या है थैलेसेमिया में क्या होता है हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबुलिन प्रेजेंट है उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, यानी वो चेंज हो जाती है नॉर्मल ग्लोबुलिन फॉर्म नहीं करता आपका बोन मैरो। नेक्स्ट दिस कॉज ऑफ प्री नेचुरल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल ड्यू टू मेम्ब्रेन डैमेज। और जैसे क्या है नॉर्मल हीमोग्लोबिन आता है ये क्या है प्री नेचुरल डिस्ट्रक्शन कर देता है रेड ब्लड सेल का ड्यू टू मेम्ब्रेन डैमेज, यानी मेम्ब्रेन डैमेज के कारण, यानी आपकी जो रेड ब्लड सेल है वो जल्दी रप्चर हो जाती है डिस्ट्रक्ट हो जाती है स्क्रीन के अंदर ट्रांसफर हो जाती है 120 दिन से पहले, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाती है जल्दी डैमेज हो जाती है जब एबनॉर्मल ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट हो। तो शुरू से देखिए थैलेसेमिया क्या है कि एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर मतलब क्या है कि अनुवांशिक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी जिसके अंदर क्या है कि आपका बोन मैरो क्या है एबनॉर्मल फॉर्म बनाने लगता है किसकी हीमोग्लोबिन की। This is defect in the synthesis of the globulin chain of hemoglobin.
और इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबुलिन प्रोटीन चेन है यानी अल्फा और बीटा जो चेन है उनके अंदर क्या रहता है, चेंजेस आ जाते हैं। दिस कॉज ऑफ प्री मैचुरल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल ड्यू टू मेम्ब्रेन डैमेज। और दिस कॉज यानी ये क्या है, उसका जो लाइफ स्पान है उससे पहले ही क्या है उसका डिस्ट्रक्शन कर देता है, यानी डिस्ट्रक्शन हो जाता है थैलेसेमिया में। नेक्स्ट देखिए, थैलेसेमिया इज ऑफ टू टाइप, यानी थैलेसेमिया क्या है, दो प्रकार का होता है, एक तो अल्फा थैलेसेमिया एक बीटा थैलेसेमिया। तो आपने देखा था ग्लोबुलिन चेन के अंदर टीएस के अंदर चेन प्रेजेंट होती है, दो अल्फा चेन होती है, दो बीटा चेन होती है, ठीक है। तो यानी या तो अल्फा चेन के अंदर डिफेक्ट आएगा तो अल्फा थैलेसेमिया, या बीटा चेन के अंदर डिफेक्ट आएगा तो बीटा थैलेसेमिया। तो सबसे पहले देखिए अल्फा थैलेसेमिया, तो डिफेक्ट इन अल्फा चेन, यानी अल्फा थैलेसेमिया में क्या है, हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, उसकी चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बैंड से जुड़ी हुई है, उनके अंदर क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, ठीक है। और फिर क्या है ना, अल्फा थैलेसेमिया दो प्रकार का होता है, एक तो अल्फा मेजर, एक अल्फा माइनर। अल्फा मेजर यानी मुख्य में क्या होता है कि दोनों अल्फा चेन के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, और अल्फा माइनर में एक ही चेन के अंदर या फिर छोटा सा कोई डिफेक्ट आता है। नेक्स्ट बीटा थैलेसेमिया, डिफेक्ट इन बीटा चेन, यानी हीमोग्लोबिन की बीटा जो चेन होती है ग्लोबुलिन के अंदर, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो कौन सी डिजीज हो जाएगी आपके, बीटा थैलेसेमिया। और बीटा भी दो प्रकार का होता है, एक तो बीटा मेजर, एक बीटा माइनर। तो मेजर का मतलब क्या है, दोनों बीटा चेन को प्रॉब्लम हो, और माइनर में एक बीटा चेन के अंदर छोटी कोई प्रॉब्लम हो, उसको क्या होंगे, बीटा थैलेसेमिया। नेक्स्ट हेरिडिटरी पैराथाइटोसिस, तो हेरिडिटरी पैराथाइटोसिस क्या है, कि एबनॉर्मलिटी है किसकी, रेड ब्लड सेल की, एरिथ्रोसाइट की। दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन, यानी ये क्या है कि आपके जीन्स के अंदर क्या है, म्यूटेशन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, क्या मेम्ब्रेन प्रोटीन के अंदर एरिथ्रोसाइट की जो प्रोटीन है मेम्ब्रेन क्या आ जाती है, चेंज हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। इन दिस कंडीशन आरबीसी एक्सेसिवली परमीएबल टू सोडियम आयन, इस कंडीशन में क्या हो जाती है आपकी आरबीसी क्या है, एक्सेसिवली यानी ज्यादा परमीएबल हो जाती है, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। दे अज्यूम बाय कॉनकेव शेप एज बाय हिमोलाइसिस, और उनके क्या है, हिमोलाइसिस जल्दी हो जाता है क्योंकि वो क्या है, सेमी परमीएबल हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर रहेगा आपका, एनीमिया के ऊपर ही कंटिन्यू रहेगा। थैंक्स टू ऑल।